हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। और मैं सुनील कुमार, और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लास्टिक स्लैब एट एंगल। यानी एक प्लास्टिक स्लैब है, ये हमारा क्या हो गया, प्लास्टिक स्लैब, और इस प्लास्टिक स्लैब पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है ना। तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज एंगल आई, ठीक। ये इसका ओरिजिनल पाथ होगा, बट लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। दिस इज व्हाट, एंगल आर, क्लियर। आगे बोला, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30, यानी जो एंगल आर है ये हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक इज, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ये कितना है, रूट 3 है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी हमें एंगल आई का वैल्यू निकालना है, क्लियर। तो हम लोग पढ़े स्नेल्स लॉ, तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर। देखिए हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, ठीक है। तो साइन आई इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू देखिए रूट 3, ठीक है। तो रूट 3 और साइन आर का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन आई इक्वल टू रूट 3 और साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, यानी रूट 3/2, ठीक है। ये हमारा आया साइन आई, क्लियर है। अब देखिए रूट 3/2 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू भी कितना होता है, रूट 3/2, ठीक है। तो इस रूट 3/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन 60। तो देखिए एंगल की जगह पे कितना है, 60 डिग्री, यानी एंगल आई इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, क्लियर स्टूडेंट।